दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर आएंगे। सीएम निर्माणाधीन सैनिक स्कूल और गोड धोइया नाले का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम को आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी में अमर उजाला गैलेंट आयुर्वेद ज्योतिष महासमागम 2022 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के संबंध में शुक्रवार देर शाम तक कमिश्नर रवि कुमार, एनजी डीएम विजय किरण आनंद, एसएसपी विपिन ताड़ा और नगर आयुक्त अविनाश सिंह समेत प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के आला अधिकारी तैयारियों में जुटे रहे। मुख्यमंत्री के शनिवार को दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचने की उम्मीद है। निर्माणाधीन सैनिक स्कूल और गोड धोइया नाले का निरीक्षण करने के बाद सीएम शाम को अमर उजाला के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन रविवार सुबह मंदिर में दर्शन पूजन के बाद फरियादियों की समस्या सुनेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को सभी विभागों में तैयारियां होती रही। विकास परियोजनाओं की प्रगति की बुकलेट तैयार करने के साथ अधिकारी और कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे रहे। गोरखपुर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को कई सौगात देने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को लगभग 33.1 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग और जीडीए की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 11.33 करोड़ रुपए की आवास विकास परिषद, बाढ़ खंड और लोक निर्माण विभाग की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें ज्यादातर बाढ़ बचाव के उपायों से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इनमें 2.16 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर की गोला में बनने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास और 4.52 करोड़ की लागत से राजकीय आईटीआई चारगांव में बनने वाले ऑडिटोरियम का शिलान्यास भी शामिल है। रविवार को गोरखपुर में गिड़ा में आयोजित कार्यक्रम में 143 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में मंच पर करीब 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले 6 निवेशकों को भूखंड आवंटन का प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा। योगी अपने इस गोरखपुर प्रवास के दौरान 280 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे।